ओम ज्ञानतिमरंधस्याजनशलाखया चक्षुरमील ये नस्म श्रीगुरव नम ओम विष्णु पृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते नामिने नमस्ते सरस्वते दे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाशातरिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुन्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा तो इससे पहले श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान के धाम वैकुंठ धाम का वर्णन किया वर्णन करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने तेईसवें श्लोक में ट्वेंटी थर्ड श्लोक में ये बताया कौन लोग भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकते हैं वो श्लोक था यजन व्रजन्ति जो लोग भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं वो कौन से लोग थे वो भी हमने उसकी चर्चा की थी जो लोग भगवान की कथाओं का वैकुंठा की वार्ताओं का भगवान के नाम का जप नहीं करते इन कथाओं को नहीं सुनते अपितु ये ऐशयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं है नॉट वर्दी ऑफ हियरिंग वेस्ट यूजलेस सब्जेक्ट मैटर इस प्रकार के विषयों में जो लगे रहते हैं और इस प्रकार के विषय क्या करते हैं हमारी बुद्धि को मोहग्रस्त कर देते हैं तो इस प्रकार के लोग वैकुंठ लोक में वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकते अपितु कहां जाते हैं इनका प्रवेश अंधकार मय जीवन में नीचे के लोकों में आसुरिक जीवन में इनका प्रवेश होता है तो ये जो है इसकी चर्चा हमने पहले की थी आज के श्लोक में बताया है कौन लोग वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकते हैं पहले बताया था कौन लोग वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर सकते कौन नहीं कर सकते जो भगवान की वार्ताओं में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जो फालतू के सब्जेक्ट मैटर्स में रुचि दिखाते हैं वो कहां जाते हैं अंधकार में इस प्रकार के घोर जो है नरक लोकों में नीचे के लोकों में अनेकों प्रकार के पशु प्राणियों इस प्रकार के जीवन में वो प्रवेश करते हैं तो आज का श्लोक बड़ा ही सुंदर है कौन लोग किस क्वालिफिकेशन के द्वारा किन गुणों को अर्जित करने के द्वारा किन योग्यताओं के होने पर हम भगवत धाम में वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकते हैं इसका वर्णन जो है इसकी चर्चा आज के श्लोक में की गई है तो क्या कहा है यथव्रजंती वैकुंठ धाम में वो लोग प्रवेश करते हैं कौन है ऋषभहा अनुवृत्त्या ऋषभा का मतलब होता है जो सबसे मुखिया किंग जैसे हम कहते हैं राज विद्या सभी विद्याओं में जो परम है तो सभी प्रकार के प्रोसेसेस में सभी प्रकार के जो तरीके दिए हुए हैं वेदों में उन तरीकों में उन रास्तों में से उन पथों में से जो सबसे परम रास्ते को अपनाता है ऐसा व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है हमें ज्ञान होना चाहिए वेदों में बताया है चार प्रकार के योग होते हैं योग मतलब है जिस रास्ते के द्वारा जिस विधि विधानों के द्वारा हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं भगवान से जुड़ सकते हैं उसे योग कहते हैं कौन कौन से योग हैं कर्म योग, ज्ञान योग ध्यान योग और भक्ति योग मतलब यहां पर बताया गया है इन चार रास्त जो ये चार रास्ते हैं इनमें से जो परम है उस परम रास्ते के द्वारा उस परम विधि के द्वारा जो लोग उस विधि को अपनाते हैं वो वैकुंठ धाम में प्रवेश करेंगे तब अगला प्रश्न ये उठेगा ये परम विधि कौन सी है ये परम योग कौन सा है ये राज योग कौन सा है आजकल राज योग बहुत फेमस है आपने सुना होगा अनेकों प्रकार की संस्थाएं कहती हैं हम राज योग सिखाते हैं सभी योगों का जो राजा है किंग ऑफ योगा, लेकिन असली राजयोग क्या होता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे अभी हम लोग ये समझेंगे कि जो व्यक्ति राजयोग करता है सबसे उत्तम विधि को अपनाता है यहां पर उसे क्या कहा गया है ऋषभहा अनुवृत्त्या ऋषभहा मतलब सबसे उत्तम उस प्रकार की विधि को जो अपनाता है वो व्यक्ति वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकता है यह एक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है और क्या चाहिए नेक्स्ट अगला बताया है दूरे यमा वेदों के अंदर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं जैसे है यमा नियमा ये जो सर्वोच्च विधि का पालन करते हैं सर्वोच्च योग में जो लगे हुए हैं इनके लिए यमा और नियमा दूर है वो इनसे दूर रहते हैं ये इनके लिए नहीं है दूरे यमा आगे वो बताते हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं ही ऊपरी ये जो वैकुंठ लोक में हम बता रहे हैं कि कौन लोग प्रवेश कर सकते हैं ये हमारे लोकों से ऊपरी है हमारे सभी लोकों से हेवनली प्लैनेट से स्वर्ग लोकों से ऊपर है और आगे भी बताते हैं स्परणीय शीला का मतलब इन गुणों को न स्परणीय इन इन व्यक्तियों के जो वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के योग्य हैं लायक हैं इनके गुणों को हम लोग भी हम देवता लोग क्योंकि ब्रह्मा जी देवता लोक में है स्वर्ग लोकों में है हम देवता लोग भी चाहते हैं इन गुणों को हम लोग भी अर्जित कर सके मतलब हमारे अंदर में भी ये महान गुण नहीं है जो इन व्यक्तियों के अंदर में है जो भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं तो ये लोग क्या करते हैं ऐसे इनके अंदर में क्या गुण है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति भगवत धाम में एंट्री के पात्र है प्रवेश करने के लिए ये लोग योग्य हैं, लायक हैं तो आगे बताते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं भरतू मिथाह सुयशा कथानुरागा इनके लक्षण क्या है यह परस्पर आपस में बैठ करके लोगों की पॉलिटिकल वार्ता में इनकी कोई रुचि नहीं है उनकी रुचि किसमें है भरतू भगवान जो सबका मेंटेनर है जो सबका पालन करता है पोषण करता है ऐसे भगवान की वार्ता में सुयशाह जिनका यश सब जगह फैला हुआ है कथानुरागा ऐसे भगवान की कथा में भगवान ये लोग जो हैं, ये भक्त लोग अनुरागी हैं, इनकी रुचि है और क्या है आगे बताते हैं वैक्लव्य बाष्पकलया पुल की कृतांग और वैक्लव्य का मतलब होता है बड़े ही भाव के साथ एक्सटेसी आनंद में विभोर हो करके बाष्प कलया इनकी आंखों से अश्रु बहते हैं पुलकी कृता और आनंद के कारण इनका शरीर जो है पुलकित होता है एक्सटेसी में शिवर होता है कांपते हैं भगवान के आनंद में अंगहा अंगहा मतलब इनका शरीर इस प्रकार के लोग जो है वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकते हैं तो तात्पर्य में प्रभुपाद बड़े ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं सबसे पहला वर्णन प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक में क्लियरली स्पष्ट रूप से बताया गया है भगवान का वैकुंठ धाम इस संसार के अंदर में नहीं है भगवान का वैकुंठ धाम ऊपरी इन सभी लोकों से स्वर्ग लोकों से भी ऊपर है तो ये बड़ा जो है स्पष्ट रूप से यहां पे बताया गया है ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि हमें भी वहां पर इतनी जल्दी से प्रवेश नहीं है क्योंकि इन समस्त लोकों से ऊपर है प्रभुपाद यहां पर कह रहे हैं यहां पर यह स्पष्ट कथन है कि भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है अब यह बड़ा महत्वपूर्ण है समझना देखिए कितना महत्वपूर्ण है जैसे जैसे हम विकसित होते हैं अपनी चेतना में हमारी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे विकसित होती है उतने ज्यादा हम लोग जेंटलमैन बनते हैं हमारे अंदर में अच्छे गुण आते हैं जब कोई क्रूड होता है जब व्यक्ति जो है उसने उसके अंदर में अच्छे गुण नहीं है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है गवार है उसको हम लोग जो है नीचा देखते हैं असभ्य है इसके अंदर में सभ्यता नहीं है करेक्ट जैसे हम लोग देख सकते हैं एक व्यक्ति जो चोर है एक व्यक्ति जो लोभी है ये अवगुण है जिसके अंदर में खराब गुण है और एक व्यक्ति है जिसके अंदर में सदगुण है अच्छे गुण है हम लोग सब चाहते हैं लोगों के अंदर में अच्छे गुण हो अच्छे गुणों से क्या होगा समाज के अंदर में प्रॉस्पेरिटी रहेगी शांति रहेगी लोग खुश रहेंगे आनंद के साथ रहेंगे उनके अंदर में झगड़े नहीं होंगे तो हम लोग सब चाहते हैं तो जैसे जैसे हम हमारी चेतना विकसित होती है वैसे वैसे हमारे अंदर में अच्छे गुण आते हैं स्वर्गलोक के वासियों में हमारे से ज्यादा अच्छे गुण हैं, क्योंकि उनकी चेतना हमारे से ज्यादा विकसित है हमारे अंदर में जानवरों से अच्छे गुण हैं, क्योंकि हमारी चेतना उनसे ज्यादा विकसित है जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ जानवर ऐसे हैं जो कोई डिफरेंस नहीं देखते हैं किसके साथ में यौन संबंध करना है मां है बेटी है कुछ नहीं देखते हैं जो जब हमारी चेतना विकसित होती है तो हम ये अंतर समझते हैं इसका मतलब क्या है इससे हम ये समझ सकते हैं जब हमारे अंदर में सर्वश्रेष्ठ गुण आ जाएंगे तभी हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकेंगे जब हमारी चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी और जब उसमें सर्वश्रेष्ठ गुण आ जाएंगे तभी हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकेंगे तो बड़ा सुंदर वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर लाखों उच्चतर लोक हैं उसी तरह आध्यात्मिक आकाश से संबंधित लाखों करोड़ों आध्यात्मिक लोक हैं ब्रह्मा जी यहां कहते हैं आध्यात्मिक जगत देवताओं के लोकों से ऊपर है तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहां पर स्पष्ट बताया गया है वैकुंठ धाम वैकुंठ लोक ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर है आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य भगवत धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसमें वांछनीय गुण अत्याधिक विकसित हो जब ये सदगुण सभी प्रकार के अच्छे गुण जब व्यक्ति में विकसित हो जाते हैं तभी वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है आगे प्रभुपाद जी इसमें चर्चा कर रहे हैं ये अच्छे गुण कैसे विकसित होते हैं भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत में बताया गया है यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराहा मतलब जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति में लगा है यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना अकिंचन भक्ति प्योर शुद्ध भक्ति में जो भक्त लगा हुआ है उसके अंदर में समासते सुराहा जितने भी सुरों के गुण हैं जितने भी अच्छे सदगुण हैं उस व्यक्ति के अंदर में विकसित हो जाते हैं तब हम सोचेंगे कि दूसरे रास्ते तो भी हैं, ठीक है भगवान की भक्ति करने से सारे गुण अच्छे गुण आते हैं ये एक रास्ता है लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति ना करें तो क्या हमारे अंदर में अच्छे गुण नहीं पैदा होते हैं विकसित नहीं होते हैं तो भागवत में बताया है नहीं होते हैं लेकिन हम बोलेंगे नहीं हमने तो देखा है हम लोग क्लासों में सीखते हैं मॉरल लेसन लेते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ट्रूथफुलनेस इन सब का पाठ हमें भी पढ़ाया जाता है और हम लोगों ने तो भक्ति नहीं की है फिर हम लोग भी तो ऑनेस्ट हैं हमारे अंदर में भी ट्रूथफुलनेस है अच्छे गुण हमारे अंदर में भी हैं भागवत में कहा है ये सब अच्छे गुण केवल हमारे मन के अंदर में है मनोरथ में है जब परिस्थिति आएगी ये सारे गुण वाष्पीकरण हो जाएंगे उड़ जाएंगे हराव भक्त कुतो महत गुणा जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं है उसमें कहां है महान गुण हराव भक्त कुतो महत गुणा क्यों मनोरथे न धावतो बही उसके जो भी गुण हैं वो केवल सब काल्पनिक है मनोरथ में है तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है भागवत में बताया है केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करने मात्र से हमारे अंदर में जो है ये सदगुण होते हैं अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक कथा सुनी थी मृगारी की कथा एक व्यक्ति था उसका नाम था मृगारी उसका नाम ही इतना क्रूर है मृग का मतलब है जानवर अरी का मतलब है दुश्मन उसका नाम था जानवरों का दुश्मन तो ऐसा व्यक्ति वो क्या करता था इतना दुष्ट था वो व्यक्ति जब कोई जानवर तड़पता था पेन के कारण दुख के कारण क्लेश के कारण जब उसे दर्द होता था यह आनंद लेता था जरा देखिए जब दूसरों को कष्ट होता है हम लोग आनंद नहीं लेते हैं हमको भी कष्ट होता है यह मुर्गारी ऐसा व्यक्ति था दूसरों के कष्टों में उसको आनंद आता था वो एक शिकारी था क्या करता था जानवरों को आधा मार के आनंद लेता था पूरा भी नहीं मारता था क्योंकि पूरा मरने के बाद में उसका दुख खत्म हो गया दुख से पीड़ित देख करके जब वो तड़पता है जानवर उसको देख करके अभी मरा भी नहीं है आधा मरा है उसको देख करके बड़ा आनंद लेता था तो एक बार नारद मुनि जब उस जंगल से गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि जगह जगह पर मृत जानवर पड़े हुए हैं आधे मरे हुए जानवर पड़े हैं दुख के कारण पीड़ा के कारण तड़प रहे हैं ये देख कर के नारद जैसे महान भक्त अत्यंत कृपालु हो उठे उनके मन में बड़ी पीड़ा आई तो वो इस मृगारी के पास में गए और उनसे कहा तुम ये घोर कर्म क्यों कर रहे हो और इस प्रकार से मृगारी को सद्बुद्धि प्रदान की जब ऐसे महान श्रेष्ठ भक्त नारद मुनि के संग में मृगारी जैसा दुष्ट व्यक्ति भी आया उसके हृदय के अंदर में बदलाव आ गया उसने कहा कि मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है नारद जी ने कहा सबसे पहले तुम्हारे धनुष बाण को तोड़ करके फेंक दो वो घबरा गया गुरु जी आप ये क्या कह रहे हैं यह तो मेरी रोजी रोटी है जिस चीज से मैं अपना जीवन चलाता हूं आप कह रहे हो उसको तोड़ करके फेंक दो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो तुम्हारी रोजी रोटी का प्रबंध मैं करूंगा तुम केवल हरि नाम करो बस भगवान के नाम का जप करो भगवान की भक्ति करो तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे गुरुजी कह रहे हैं उन्होंने अपना धनुष बाण तोड़ करके फेंक दिया और फल स्वरूप क्या हुआ जब लोगों ने सुना ऐसा दुष्ट व्यक्ति मृगारी जैसा इस प्रकार का व्यक्ति भी सब कुछ छोड़ करके भगवान के नाम का जप कर रहा है हजारों हजारों लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे और जब भी भारत की ये सभ्यता है जब भी लोग संत पुरुष के पास में जाते हैं साधु पुरुष के पास में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो है भेंट प्रदान करते हैं तो सभी लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आने लगे और मुर्गारी के पास में इतना जमा हो गया कि वो सोचने लगा अब मैं इसका क्या करूं मैं केवल रोजी रोटी सोच रहा था लेकिन मेरे गुरुदेव ने मेरे को इतना भेज दिया कि यहां पर तो भंडार लग गया खजाना बन गया है तब उसने जो है जितना उसको चाहिए था उतना लेकर के लोगों में बांट दिया एक बार दोबारा नारद मुनि अपने इस शिष्य को देखने के लिए वापस आए और इस बार जो है अपने मित्र उनका नाम क्या था उनके पर्वत मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि को अपने इस शिष्य से मिलाना चाहते थे तो जब वो जंगल के पास में आए तो उन्होंने देखा मुर्गारी जो है कुछ अलग तरीके से चल रहा है और जब वो दंडवत प्रणाम कर रहा है बड़े ही जो है सोच समझ करके जमीन पर लेटता है और प्रणाम करता है तो ये देख करके पर्वत मुनि ने पूछा मृगारी से कि तुम इस प्रकार से जो है इस प्रकार से कदम रख रहे हो इस प्रकार से प्रणाम क्यों कर रहे हो तो मृगारी ने कहा गुरुजन जब मैं जमीन पर चल रहा हूं और जब मैं प्रणाम करना चाहता हूं मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे प्रणाम करने से मेरे जमीन पर चलने से कुछ छोटे कीड़े मकोड़े मेरे पांव के नीचे ना आ जाए मेरे, मेरे शरीर के नीचे ना आ जाए तो यह देख करके जो है पर्वत मुनि भी हैरान हो गए आश्चर्यचकित हो गए ऐसा दुष्ट व्यक्ति ऐसा असुर जिसके अंदर में सब प्रकार के अवगुण थे इसके हृदय के अंदर में इतना बदलाव आ गया है कि पहले जो जानवरों को आधा मृत देख करके उनकी पीड़ा को देख करके खुश होता था आनंद लेता था आज एक छोटे से कीड़े को भी नहीं मारना चाहता है इतना बड़ा बदलाव मतलब क्या है एक्चुअली भगवान की भक्ति करने से सर्वे गुणे तत्र समासते सुराहा भगवान का नाम जप करने से जितने भी अच्छे गुण हैं सब हमारे अंदर में आ जाते हैं कहां से आ जाते हैं कहीं बाहर से आते हैं क्या बाहर से नहीं आते हैं आत्मा के अंदर में आत्मा भगवान का अंश है जिस प्रकार भगवान में सब गुण है सर्वगुण संपन्न है भगवान उसी प्रकार आत्मा क्योंकि परमात्मा का अंश है हमारे अंदर में भी वो अच्छे गुण हैं। लेकिन आज क्या हो गया है माया के द्वारा ये सारे गुण कवर हो चुके हैं भगवान का प्रेम आज इस भौतिक संसार में काम बन गया है भगवान के प्रति आसक्ति आज भौतिक आसक्ति में बदल गई है भगवान की कथाओं में रुचि आज ग्राम्य वार्ता में रुचि में बदल गई है सारे गुण हमारे अंदर में हैं, लेकिन आज जो है कवर हो गए हैं वो अच्छे गुण कवर हो गए हैं तो हमें क्या करना है हमें केवल इस गंदगी के पर्दे को निकालना है ये अच्छे गुण ऑटोमेटिकली दोबारा आ जाते हैं तो भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान के नाम के जप करने के द्वारा ये अज्ञान रूपी पर्दा ये गंदगियां ये मैल जो हमारे हृदय के अंदर में बसा हुआ है ये मैल निकल जाता है ये गंदगियां बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो है यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे प्रभुपाद जी कहते हैं यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद भागवत में कहा गया है कि जो कृष्णा भावना भावित होता है वह देवताओं के सभी सद्गुणों से समन्वित होता है भौतिक जगत में देवताओं के सद्गुणों की, की अत्याधिक सराहना की जाती है है ना हम लोग हमारे जगत में हम लोग कहते हैं कि हाँ देवताओं में अच्छे गुण है वो देवताओं के गुण हमें चाहिए सुरों के गुण चाहिए भद्र पुरुष के गुणों की सराहना अज्ञानी व्यक्ति या निम्न जीवन में रहने वाले की तुलना से अधिक की जाती है जो सभ्य लोग हैं हम कहते हैं कि उसमें अच्छे गुण हैं उन लोगों से ज्यादा जो असभ्य लोग हैं जो अज्ञानी लोग हैं जो अभद्र हैं जो निम्न लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छे गुण जो हैं सभ्य लोगों में होते हैं उच्चतर लोगों के देवताओं के गुण इस पृथ्वी के निवासियों के गुण की अपेक्षा श्रेष्ठ है यह समझना इंपॉर्टेंट है देखिए क्यों हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं सिंपल है उच्च लोक जो है उनके गुण हमारे से श्रेष्ठ हैं हमारे गुण हमारे से निम्न लोगों से श्रेष्ठ हैं हम लोग सभ्य हैं सिविलाइज्ड हैं हमारे में जो गुण है और जो जो लोग हमारे से नीचे हैं असभ्य लोग हैं उनमें इतने अच्छे गुण नहीं होते हैं मतलब क्या है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाना चाहते हैं अच्छे गुण होने ही चाहिए मतलब क्या है अगर वैकुंठ लोक में प्रवेश करना है सर्वगुण होने चाहिए तब प्रवेश मिलेगा स्वर्गलोक में जाना है कुछ अच्छे गुण हुए पुण्य कर्म किया बहुत सारे अच्छे गुण अगर हमने अर्जित कर लिए स्वर्ग लोक तक चले जाएंगे लेकिन जब तक हम लोग सर्व गुण संपन्न ना हो जाएं सारे के सारे अच्छे गुण हमारे अंदर में ना हो तब तक वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा तो कर्म योग करने से ध्यान योग करने से और ज्ञान योग करने से हमें स्वर्गलोक तक एंट्री मिल सकती है यहां तक कि हमें ब्रह्मा लोक में भी एंट्री मिल सकती है प्रवेश मिल सकता है और यहां तक कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में भी प्रवेश मिल सकता है लेकिन वैकुंठ धाम में फिर भी प्रवेश नहीं मिलेगा वैकुंठ धाम में प्रवेश के लिए जैसा यहां पर बताया गया है ऋषवाहा अनुवृत्त्या सबसे टॉप मोस्ट जो विधि है उसका पालन करेंगे और उस टॉप मोस्ट विधि का पालन करने से जब हमारे में सर्व गुण सभी अच्छे गुण जब हमारे अंदर में उपजित होंगे तब जा करके हम जो है भगवत धाम में प्रवेश कर सकेंगे और कैसे होता है वो आगे प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं यहां पर ब्रह्मा जी पुष्टि कर रहे हैं केवल वो व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर जैसे हमने देखा नारद मुनि कितने दयालु हैं हम लोग जो है सड़क पर कोई मर रहा है कम से कम मेरे परिवार के लोग सेफ हैं बस काफी है बाकी लोग मर रहे हैं इतने लोग मरते हैं हमारे हृदय में वो दया नहीं तो होता है जैसे हमने देखा नारद मुनि कितने दयालु हैं हम लोग जो है सड़क पर कोई मर रहा है कम से कम मेरे परिवार के लोग सेफ हैं बस काफी है बाकी लोग मर रहे हैं इतने लोग मरते हैं हमारे हृदय में वो दया नहीं है अपनों के प्रति दया है सबके लिए दया नहीं है हमारी दया अभी विकसित नहीं हुई है है इसी प्रकार से है इसलिए हम लोग सोचते हैं कम से कम अगर हमारी थोड़ी सी दया विकसित होती है तो हम लोग ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं मानव लोगों की रक्षा करनी है अगर कोई मनुष्य की हत्या करता है तो हम लोग उसको कहते हैं मर्डर किया है और उसकी सजा क्या होती है कोई मर्डर करता है तो उसकी सजा क्या होती है जेल में डालते हैं केवल जेल में नहीं डालते हैं जेल में डालने के बाद उसको फांसी भी लगाई जाती है करेक्ट मर्डर अगर किसी ने किया है लेकिन देखिए हमारी सभ्यता भी इतनी विकसित नहीं हुई है जानवरों का हम लोग मर्डर कर रहे हैं उनको कौन जेल में डाल रहा है उसके उपरांत अपितु हम लोग क्या कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं हम लोग मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस खोल रहे हैं जहां पर एक मिनट के अंदर में हजारों लाखों गाय को हम लोग एक साथ काट सकते हैं कुत्तों की रक्षा कर रहे हैं जो भोभो करता है और जो गाय बिचारी इतनी हमें इतना सुख प्रदान करती है हमें दूध देती है हर एक चीज प्रदान करती है उसकी हम लोग गर्दन काट रहे हैं और हम लोग फिर भी कहते हैं हम लोग दयालु हैं की दया जानवरों को पेन नहीं होता है हमारी गर्दन के ऊपर कोई चाकू रखे हमें जितना दर्द होता है हमें सोचना चाहिए अगर मेरे बच्चे को कोई पकड़ करके उसकी गर्दन के ऊपर बोले थोड़ी सी थोड़ी सी काट देता हूं गर्दन चलो हम लोग पेन के द्वारा चिल्लाएंगे तो हम लोगों को जानवरों की चिल्लाहट सुनती नहीं है तो ये बताया गया है ये जो गुण है ये भगवान के भक्तों के अंदर में उपजित हो जाते हैं जैसे नारद मुनि जैसे ही उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जानवर तड़प रहे हैं तुरंत उनके हृदय के अंदर में दया उत्पन्न हुई तुरंत वो मृगारी के पास में गए और देखिए मृगारी के हृदय में कितना बदलाव आया पहले इतने दुष्ट थे और अब उनका मन एक चीटी के लिए भी एक छोटे से कीड़े के लिए भी दया से भर गया है यह पहला गुण है आगे क्या है वह किसी से झगड़ता नहीं है तो यह भी हम लोग देख सकते हैं उसका कोई दुश्मन नहीं है जब दुश्मन होता है तभी हम लोग दूसरों से झगड़ते हैं जब उसके लिए सब मित्र हैं, सब उसके लिए फ्रेंडली हैं। तो किसी से झगड़ता नहीं है वह कृष्ण भावना मृत को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करता है वह सबों पर समा भाव रखता है सब उसके लिए बराबर है भगवत गीता में कौन सा श्लोक है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी के व स्वपा के च पंडिता समदर्शिना पंडित जो होता है भगवान का भक्त जो होता है सबको बराबर नजर से देखता है उसके चरित्र में दोष नहीं निकाला जा सकता हम लोग सबके अंदर में फॉल्ट निकाल सकते हैं लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त में हम कोई दोष नहीं निकाल सकते हैं वह उदार मतलब बड़े हृदय का है उसका मन जो है बड़ा विकसित है मृदु अत्यंत ही विनम्र है सदैव भीतर बाहर से स्वच्छ रहता है बाहरी रूप से भी स्वच्छ है आंतरिक रूप से भगवान के नाम का जप करके स्वच्छ है इस जगत की किसी वस्तु पर अपना दावा नहीं करता वो जानता है कि सब कुछ भगवान का है मेरा कुछ नहीं है हम लोग केवल गलत फहमी में हम लोग कहते हैं ये सब मेरा है तो किसी भी चीज पर अपना दावा नहीं करता है वह सारे जीवों का उपकारी होता है सभी जीवों के लिए उपकारी है वह शांत रहता है पूर्णतः कृष्ण के शरणागत होता है वह निष्काम है उसके अंदर में कोई काम नहीं है वह दीन विनीत सदैव स्थिर रहता है उसने इंद्रियों के ऊपर जीत पा ली है वह शरीर के निर्वाह से अधिक भोजन नहीं करता है जितना चाहिए केवल शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए उतनी जरूरतें मात्र पूरी करता है वह अन्यों का आदर करता है किंतु अपने आदर का भूखा नहीं है वह अत्यंत गंभीर अत्यंत दयालु सौहार्दपूर्ण होता है वह कवि है वह सारे कार्यों में दक्ष होता है व्यर्थ चर्चा में मौन है साइलेंट है भगवान के गुणगान करता है लेकिन बेकार की चर्चाओं में अपना मन नहीं लगाता उसमें साइलेंट है तो इसी तरह जो है ये चैतन्य चरितामृत में 26 क्वालिटी बताई गई है तो भगवान के नाम का जो कीर्तन करता है भगवान की क्योंकि कलयुग के अंदर में भगवान की भक्ति अत्यंत सरल तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में हमें सिखाया है स्वयं अपने जीवन के द्वारा उन्होंने जो है भगवत प्रेम को चखा और भगवत प्रेम को चखा एक्सपीरियंस किया और हमें प्रदान किया इसी प्रकार से हमें भी करना है हमें भी जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भगवान भगवान के नाम का संकीर्तन किया भगवान के नाम का जप किया इसी हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा हमें जो है भगवान के नाम का संकीर्तन और जप करना है अपने जीवन में भी भगवत प्रेम को धीरे धीरे चखना है क्योंकि भगवान के नाम के जप करने से क्या होगा हृदय शुद्ध होगा हृदय शुद्ध होने के बाद में भगवान के ऊपर निष्ठा आएगी निष्ठा आने के बाद में भगवान के प्रति रुचि होगी आसक्ति आएगी अटैचमेंट आएगी बाद में यहां पर जो भाव बताए गए हैं एक्सटेसी जो है आनंद बताए गए हैं हमारी आंखों में आंसू आएंगे भागवत में बताया है भगवान के नाम का जब बहुत देर तक करने के बाद भी अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं अगर हमारा हृदय पिघल नहीं रहा है अगर हमारे शरीर के अंदर में कंपा नहीं हो रही है हमें समझना है हमारा स्टील फ्रेम्ड हार्ट बन गया है पत्थर का हृदय हमारा है क्योंकि भगवान का नाम जो व्यक्ति जब कर रहा है उसकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल हमें आर्टिफिशियल आंसू निकालने हैं <laughs> क्लास में बताया गया था कि हमें जो है भगवान का नाम का जब करना है तो आंखों में आंसू आने चाहिए इसलिए कल से कोई दवाई डाल के आता हूं जिससे आंखों में आंसू आए ऐसा नहीं है। वो आर्टिफिशियल नहीं है जब भगवान के नाम में रुचि जागृत होगी जब ये सिंपल है जब हमें कुछ आनंद आता है तो क्या होता है आनंद आता है तो ऑटोमेटिकली खुशी के आंसू आते हैं अपने आप तो जब हमें भगवत नाम में आनंद आएगा रुचि आएगी तब ऑटोमेटिकली हमारी आंखों के अंदर से आंसू आएंगे युगायतम निमिषे नक्षुषा प्रावशायितम टोरेंट्स ऑफ रेन जिस प्रकार से वर्षा होती है उस प्रकार से शुद्ध भक्त की आंखों के अंदर से जो है भगवान का नाम जप करने से अश्रु की धारा बहती है और क्या होता है उनका शरीर जो है पुलकित होता है आनंद के द्वारा अगर नहीं हो रहा है उसका रीजन क्या है हमें समझना है नहीं प्रभु मैं भी जप कर रहा हूं दस साल हो गए पंद्रह साल हो गए रोज जप करता हूं सोलह माला का जप करता हूं इतनी मालाओं का जप करने के बाद भी अगर आज हमारे जीवन के अंदर में हमें रुचि नहीं आ रही है कैसे भी हम लोग जो है सोलह माला का जप कर रहे हैं बस बड़ा मुश्किल से लेकिन रुचि नहीं है मतलब क्या है हम दस प्रकार के नाम अपराध कर रहे हैं उनमें से कोई ना कोई सा अपराध हम लोग कर रहे हैं जिसके कारण हमें ये रुचि नहीं आ रही है तो मतलब क्या करना है हमें हमें इन नाम अपराधों को दूर करके इनसे कॉशियस रहना है उसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा दस प्रकार के नाम अपराध हैं इन अपराधों से दूर रहना है इन अपराधों से दूर रह करके जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो ये लक्षण डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर में उपजित होंगे और चैतन्य चरितमृत में जी यहां पर बता रहे हैं एक उपचार बताया गया है नाम अपराध से दूर कैसे रहना है चैतन्य महाप्रभु की शरण में अगर हम लोग चले जाएं तो हम लोग नाम अपराध से दूर हो सकते हैं प्रभुपाद यहां पर कह रहे हैं चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि यदि हरे कृष्णा कीर्तन करते समय किसी पुरुष में ये लक्षण विकसित नहीं होते तो समझना चाहिए कि अब भी वह अपराध पूर्ण है ये लक्षण अगर विकसित नहीं हो रहे हैं डेफिनेटली हमको समझना चाहिए हमारी चैंटिंग में ऑफेंसेस हैं हमारे नाम जप करने में अपराध हैं इस संदर्भ में चैतन्य चरितमृत में एक सुंदर उपचार का प्रस्ताव है उसका उपचार भी दिया गया है उसकी मेडिसिन भी दी गई है वो क्या है आदि लीला में कहा गया है यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं अगर हम उनकी शरण ग्रहण कर लें और बाद में अगर हम लोग भगवान के नाम का जप करें और केवल भगवत नाम हरे कृष्णा का कीर्तन करता है तो सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है यहां पर समाप्त करेंगे हरिनाम संकीर्तन की जय जगद गुरुशिला प्रभुपाद की जय